छत्तीसगढ़ बीजेपी ने गौठानों में जाकर कांग्रेस की पोल खोलने का अभियान शुरू किया है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बालोद जिला में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही अकेली कांग्रेस सरकार है जो गौ सेवा के लिए गांव से लेकर शहर तक गौधन और अन्य पशुओं के लिए गौठान बनाकर गौ सेवा कर रही है, तो बीजेपी को इसमें भी पीड़ा हो रही है। बीजेपी पर भूपेश सरकार को बदनाम करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस बालोद के पदाधिकारियों का कहना है कि गौठानों और पशुधन न्याय योजना की तारीफ पूरे देश में हो रहा है। बीजेपी गौठानों में भ्रष्टाचार की बात कर अपनी खींच निकाल रही है, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर गौ माता के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। शासन और प्रशासन के आंकड़े के अनुसार लगभग बालोद जिले में 415 गौठाने संचालित है, लेकिन यहाँ जो गौठाने हैं बस बदतरी स्थिति में है। ना यहाँ पर गाय ना गाय है, ना गायों के लिए पीने के लिए पानी है, ना ही वहाँ पर कोई रोजगार मूलक कार्यक्रम संचालित हो रही है, जबकि यहाँ पर लगातार यहाँ पर कांग्रेस के एजेंटों द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो नरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ चार चिन्हारी है जिनको इन लोग पलटा लगाने में लगे हुए हैं। जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है लगातार जो है गौठानों पे जो काम हो रहा है और महिला समूह जो है वहां पे सबल हो रही है आर्थिक रूप से। गांव गरीब किसान जिन लोग जो है गोबर बेच रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, गौमूत्र बेच रहे हैं, सभी जो है आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं। और ऐसे में इन लोग का ये जो रिएक्शन है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और मैं ये कहना चाहूंगी कि इन लोग भाई अभी इनको गौठान की याद आई है, इसके पहले गौठान में नहीं जा रहे थे इन लोग। हम चाहते हैं लोग गौठान में जाए, हमारी सरकार की जो योजना है उसमें जो कमियां हैं